हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुकिंग विद चित्ररेखा में। और आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की मीठी मठरी, जिसके लिए हमने एक छोटे बोल में 1.5 बोल आटा लिया है और फिर हम आधा बोल मैदा लेंगे। और हम दोस्तों इसमें 1 बोल सूजी ऐड करने वाले हैं, जिसमें कि हम 1 चम्मच देसी घी और हम इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये फूल जाए। देखिए, अच्छे से आप इसे मिला लीजिए और रख दीजिए। देखिए दोस्तों, फ्लेवर देने के लिए यहाँ हमने 10 से 15 बादाम, 10 से 15 काजू और 2 छोटी इलायची ले ली है, जिसका हम मिक्सचर बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे हम इसे मिक्सर में। तो ये देखिए, हमने काजू बादाम और इलायची को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। चलिए अब हम इसे ऐड कर देते हैं आटे और मैदे में और इसे मिक्स कर लेते हैं। सूजी, जैसा कि हमने आपको बताया, 1 से 2 टीस्पून देसी घी और 3 से 4 चम्मच दूध डाल के हमने अलग रख दिया है फूलने के लिए। तब तक यहाँ हम मिक्स कर लेते हैं आटा, मैदा और सारे ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को। देखिए दोस्तों, जिस बोल से हम मेजर कर रहे हैं छोटे वाले, उसी बोल से हमने आधा बोल दूध डाला है और इसमें अब हम 1.25 बोल शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए, 1 बोल हमने शुगर डाला और आधा बोल हम डाल देंगे। तो आप इसे शक्कर घुलने तक थोड़ा गुनगुना होने दें, फिर इसे उतार लें फ्लेम से। तो अब हम जो आटा हमने रखा है, उसमें हम मोयन के लिए 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और मोयन ऐसा होना चाहिए कि देखिए आप इस तरह से मुट्ठी बंध जाए आटे की। तो ये हम अच्छे से घी को मिला लेंगे आटे में। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने सूजी रखी थी घी और दूध के साथ। अच्छे से इसे हम मिला लेंगे आटे और मैदे के साथ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध और शक्कर। तो आप कुछ कुछ देर पर थोड़ी थोड़ी शक्कर और दूध डालकर इसे मिलाते जाएं और इसका आटा तैयार कर लें। ये देखिए, हमारा आटा बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो यहाँ दोस्तों, हम अपनी मठरियों को तलने के लिए घी गरम कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो है देसी घी में ये मठरियाँ और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो ये देखिए दोस्तों, हम शेप दे देते हैं मठरियों को। इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे इसे गोल करने के बाद। ये देखिए, ऐसे ही हमने और भी तैयार कर ली हैं। हम और भी तैयार कर लेते हैं। तो हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें मठरियाँ डाल देते हैं। तो ये देखिए, एक साइड से हम इसे अच्छे से पकने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक साइड से ये ब्राउन हुआ है, हम इसे पलट लेते हैं। हम दूसरी साइड से इसे पकाते हैं। आप तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, पक गई है ये। हम इसे निकाल लेते हैं
टिश्यू पे, जिससे कि हमारा एक्सेस ऑयल सारा एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुई है। तो जब तक ये एब्जॉर्ब हो रहा है, हम एक बैच और बना लेते हैं, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इधर हम देखिए दूसरा बैच हमारा डाल देते हैं फ्राई करने के लिए घी में। तो ये देखिए दोस्तों, बन के तैयार है हमारी मीठी मठरी। बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल कुकिंग विद चित्ररेखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।